नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। सराला खंसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 48 घंटे के अल्टीमेटम देने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किए जाने का जब पता विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं को पहुंचा तो वे सैकड़ों की संख्या में एसपी कार्यालय को कूच कर गए। एसपी कार्यालय पर वे धरने में बैठ गए। इसके बाद जब उन्होंने हो हल्ला मचाया तो एसपी सुरेंद्र बहादुर अपने चैंबर से उठकर वहां पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले 4 दिनों के अंदर वे बदमाशों की गिरफ्तारी करेंगे, साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी हत्यारोपियों के खिलाफ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। मामला यह है कि विगत 8 दिन पहले जो है ये बढ़ुआ गोदाम पुलिस बूथ के बगल में ये बाल गोविंद सिंह जो आरटीआई कार्यकर्ता थे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई दिन दहाड़े गोली मार करके। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद रहे, स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अपराधी जो है हत्या करने के बाद 20 मिनट तक उस स्थान पर दाहिने बाएं जो है खड़े थे। एसपी ऑफिस आए थे, आप धरना प्रदर्शन किया, धरने में बैठे, क्या है घेराव किया? नहीं, हमने घेराव किया, हमने विगत 3 दिन पहले हमने एक अल्टीमेटम दिया था अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और सराला खंसी एसओ जिसके मिली भगत से इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है एसओ को हटाने के लिए। और 3 दिन हमने 48 घंटे का समय दिया, 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं दिखा। आज क्या हुआ धरने पर? आज धरने पर बैठे हमारे जिले के जो भावी कप्तान हैं, इन्होंने कहा कि हमें जो है 3 दिन का मोहलत दीजिए, 3 दिन में हम जो है अपराधियों को धरपकड़ कर लेंगे और जो संबंधित जो पुलिस के कर्मचारी और जो है एसओ सराला खंसी पर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उनको परिवार है वो एसओ की बात ना करके सीओ की बात कर रहा है, सीओ की वजह से हत्या हुई है। एसओ को भी दरखास्त दिया गया था, एसओ को ही टारगेट बना, दरखास्त उनको भी दिया गया था। सीओ स्तर पर हम डीआईजी महोदय से बात कर लिया है, डीआईजी उच्च स्तरीय बात कर, हमने डीजीपी को भी हमने जो है लिख करके एक लेटर अपने पैड पर हमने फैक्स किया है, ठीक है। सीओ की जहाँ तक बात है, सीओ की कार्रवाई उच्च स्तरीय जाँच होगी, उनकी कार्रवाई तो होनी तय है। इसमें इस अपराध में जितने दोषी हैं कोई बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों चाहे सिविल के हों। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ गुंडे अपराधी मवाली यहाँ से जिला छोड़कर उनको हटना ही पड़ेगा। अगर जनपद बनाना है तो शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता अग्रणी आगे रहेंगे। इसी सपोर्ट कर रही तो कहाँ से जाएंगे बाहर अपराधी? नहीं, पुलिस सपोर्ट करे उसी की मांग किया गया उसी ना? उसी संबंध में है, पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, हम सपोर्ट नहीं करने देंगे। भ्रष्ट पुलिस कर्मी, पुलिस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिले में नहीं रहेंगे। यहाँ बैठे हुए क्या है इनका? ये था कि जो गिरफ्तारी या अभी तक जो हम सफल नहीं हो पाए हैं, ये प्लान मर्डर था इसमें, और प्लान मर्डर की वजह से उनका एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें जो होती है ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम लगभग पूरा हो गया है और उन लोगों को ट्रेस कर लिए हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं, तो बहुत शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे और सारी कार्रवाई। और रही इन लोगों के बाद तो वही कार्रवाई के लिए कि कार्रवाई डिले हो रही है, तो कार्रवाई में डिले नहीं हो रहा है बल्कि हम अपना काम कर रहे हैं और जल्दी इसको कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।